यह है प्रेम कहानी एक लड़की की है। वह लड़की रोज शाम को टहलने के लिए अपने नाजिद के मैदान आया करती थी। एक दिन उसे एक लड़का उस मैदान में दिखा। वह लड़का उस मैदान में छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे दे रहा था। इसको देखकर लड़की खुद को रोक ना सकी। वह तुरंत ही लड़के के पास पहुंची और उसने लड़के से कहा, आप इन बच्चों को आप गुब्बारे क्यों दे रहे हैं? इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे बच्चे काफ़ी पसंद है। मैं इस बच्चों को रोज़ कुछ ना कुछ देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है तो मैं इन्हें हिंदी कहानी सुना दिया करता हूँ। यह बात लड़की को बहुत अच्छी लगी। वह लड़की भी बच्चों को काफ़ी प्रेम करती थी। अब वह दोनों बच्चों के लिए रोज कुछ उपहार लेकर आते थे और बच्चों को कहानी सुनाते थे। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा, मेरे पास अब बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहानी नहीं है। मैं जितना भी कहानी सुनना पढ़ा था बच्चों को सुना चुकी हूँ। इस पर बच्चे ने कहा, तुम कहानी के लिए हिंदी कहानी पर जाया करो, वहाँ पर तुम्हें बहुत कहानी पढ़ने को मिलेंगी। उन्हें ऐसी ही बात होने लगी। एक दिन लड़के को समझ में आ गया कि उसे प्रेम हो गया है, लेकिन लड़की को अभी पता नहीं था। समय के साथ वह दोनों काफ़ी करीब आने लगे। प्रेम अंधा होता है। अब वह एक समय भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। इसके बाद वह दोनों समझ गए कि उन्हें प्रेम हो गया है। अब उन्होंने इस बात को अपने घर वालों से कही। घर वालों को भी इसको लेकर राजी हो गए। बस अब किया था उन्हें एक दूसरे से प्रेम से के बाद शादी भी हो गई। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।